चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 30 मई से पहले हर राजनीतिक दल को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने 7 लोकसभा उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना, मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब और केवल सिंह ढिल्लन संगरूर से उम्मीदवार बनाए गए। गोवा में बीजेपी सरकार को झटका, सहयोगी पार्टी एमजेपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की एक चुनावी सभा में मुस्लिम समुदाय को वोट देने के लिए धमकाया, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी वोट के लिए मतदाताओं को धमकी दी, कहा सन्यासी को वोट नहीं दिया तो श्राप दे जाऊंगा। उन्नाव पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया। मार्च में महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची, फरवरी में औद्योगिक उत्पादन की दर पिछले 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर। सूडान में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख आवाद इब्न औफ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर। और जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 100वीं बरसी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अगुवाई में देश विदेश की कई हस्तियां आज श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगी।